हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूविंग को प्रूव करेंगे। आज हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ सेक ए माइनस का टैन ए, सेक ए प्लस का टैन ए। इसको हमें प्रूव करना है, इसको सॉल्व करके, और हमें प्रूव करना है वन माइनस का टू सेक ए टैन ए प्लस का टू टैन स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टर्म। तो इसको एक बार खुद से करके देखिए, इस वीडियो को पॉज करें और खुद से लगा के देखिए। बहुत इजी है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि नीचे वाल इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ओके। और रेशनलाइज करके इसको सॉल्व करिए, आराम से आपका आंसर निकल आएगा, ओके। तो पॉज करके एक बार ट्राई करिए, और ठीक है, आई होप आपने पॉज करके एक बार ट्राई करा होगा। मैं आपको बताता हूँ अगर नहीं निकला आपका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेक ए माइनस का टैन ए अपॉन सेक ए प्लस का टैन ए। हमारे पास ये दो टर्म है, ऊपर और नीचे। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी जो अपोजिट साइन है नीचे वाले, जो क्या है, सेक ए प्लस का टैन ए है ना, इसके अपोजिट साइन क्या है, सेक ए माइनस का टैन ए से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के सेक ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी सेक सेक ए से, सेक ए माइनस का टैन ए, और डिनोमिनेटर को भी सेक ए माइनस का टैन ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ओके। दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर जाने पर देखिए, ये ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी है, तो दोनों ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, ये आपको पता होगा, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी हो जाता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसी तरह से ये हो जाएगा आपका sec a माइनस tan a का होल ऑफ स्क्वायर, क्लियर। एंड अपॉन में देखिए, ये आपका है a और ये है प्लस, ये है b, इस तरह से ये भी आपका a है, ये माइनस का b। आपको पता होगा कि अगर कहीं पर a प्लस b और a माइनस b लिखा है, तो इसका कंसाइज फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए, इतना क्लियर है। अब हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे, तो हम जब, आप जानते हैं ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। तो इसी तरह से ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए प्लस का टैन स्क्वायर ए एंड माइनस का टू सेक ए और टैन ए, क्लियर हो गया। इस तरह से नीचे वाला हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। तो नीचे वाले दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, तो इसको हम लोग वन लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो तो एलिमिनेट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, जो ये sec है ना, इस sec को हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। देखो, जब sec को tan में कन्वर्ट करेंगे, इस tan को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर ए वन, और ये जो माइनस का tan स्क्वायर है बन जाएगा पॉजिटिव के tan स्क्वायर में, तो ये जाएगा वन प्लस का tan स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग sec स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे वन प्लस का tan स्क्वायर ए, हमारे पास बचा tan स्क्वायर ए ये वाला, ओके, और माइनस का टू sec ए और tan ए, क्लियर। अब देखिए, ये tan स्क्वायर ए, ये tan स्क्वायर ए और ये tan स्क्वायर ए मिलकर क्या बन जाएंगे, टू tan
टेन स्क्वायर ए और माइनस का टू सेक ए टेन ए, और इस तरह से दोस्तों ये हो जाता है प्रूव। कितना इजी था, बिल्कुल एक दो फॉर्मूले और आपका देखिए ये टर्म प्रूव हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रूविंग अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।